के बारे में पहला आपका टॉपिक है ऊर्ज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा तीन रिएक्शन है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ऊर्ज रिएक्शन फिटिक रिएक्शन एंड थर्ड इज योर ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तीन रिएक्शन है आपके, पहला आपका ऊर्ज रिएक्शन है, सेकेंड आपका फिटिक रिएक्शन है और थर्ड आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। आपको ध्यान समझना बहुत ज़रूरी है। ऊर्ज और फिटिक दो साइंटिस्ट थे, दोनों अपना दोस्त थे। ऊर्ज अलग था, फिटिक अलग थे। ऊर्ज ने अपना ओन रिएक्शन खुद दिया, फिटिक ने भी अपना रिएक्शन खुद का दिया, फिर दोनों ने कंबाइंड रूप में ऊर्ज फिटिक रिएक्शन को दिया। ये तीन रिएक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऊर्ज ने अपना ओन रिएक्शन अलग दिया, फिटिक ने अपना ओन रिएक्शन अलग दिया और ऊर्ज फिटिक में ऊर्ज और फिटिक दोनों ने मिल करके रिएक्शन दिया, इसलिए इसको ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शन है, आपको जान लेना जरूरी है। पहला चीज जो ऊर्ज है ये एलिफैटिक कंपाउंड के लिए है। एलिफैटिक मतलब जो कार्बन की जो सीरीज ओपन चैन से एल्किल ग्रुप लगे हो, जैसे आपको देख भी रहेंगे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। यदि एल्किल ग्रुप से एल्किल हैलाइड का रिएक्शन से आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। फिटिक ने क्या दिया था, ये एरिल हैलाइड को दिया था। एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में सपोज कर हम लोग होते थे बेंजीन, ये बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। आप संकरण के बारे में पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके होंगे, sp2 आपको बता भी दे रहा हूँ। संकरण निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कि वह कार्बन जो चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, ध्यान दीजिए कि इसके चारों तरफ नज़र देखिएगा, वह कार्बन जो चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा वो निश्चित रूप से sp3 कार्बन होगा। वह कार्बन जो दो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो और वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वह कार्बन निश्चित रूप से sp2 हाइब्रिडाइज होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। थर्ड रूल कहता है कि वह कार्बन जो दो डबल बॉन्ड कंटेन करता हो वो निश्चित रूप से sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो दो डबल बॉन्ड कंटेन करे, या तो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड रखे और एक ट्रिपल बॉन्ड रखे तो ये भी कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि वह कार्बन जिसके चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच है sp3, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो sp2, टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करके हम लोग एल्केन बनाते हैं। एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल मीन्स के आर ग्रुप को हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। इसके साथ यदि हैलोजन अटैच है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा गया RX, यहाँ भी RX लिखा है। और चूंकि X के ऊपर क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर क्या, सोडियम वन इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, तो इनकी केमिस्ट्री बेस्ट बनेगी, यानी X आपका रिलीज होगा। क्योंकि यहाँ पे X की संख्या दो हो चुकी है, एक RX यहाँ पे है, एक RX यहाँ पे, इसलिए दो सोडियम लेना आपको जरूरी है। एक सोडियम एक X, दूसरा सोडियम दूसरा X, इतने लोग इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बाहर चले जाएंगे। NaX प्लस NaX मिल करके 2NaX यहाँ से आपका रिलीज हुआ, 2NaX यहाँ का बाहर गया और अटैच किया हुआ आर की बॉन्डिंग, आर से डायरेक्टली अटैच हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं। यहाँ एक्सटेंशन ऑफ कार्बन सीरीज है, हम लोग जो स्टार्टिंग कंपाउंड लिए थे उसमें आर आपका एक था, कार्बन की संख्या एक थी, अभी आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे RX हमने स्टार्टिंग लिया था, यहाँ भी RX लिया था, लेकिन हमको प्रोडक्ट क्या मिला है, R और R। इस तरह से कार्बन की चेन है क्या, लेंथेन हो रही है, बढ़ रही है, इसकी कार्बन की सीरीज बढ़ रही है। आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से इंट्रोड्यूस ऑफ द सोडियम वी गेट एल्केन, दैट इज ऊर्ज रिएक्शन। यही आपका ऊर्ज रिएक्शन है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप अपने टॉपिक से लिख भी सकते हैं, एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम टू गिव्स एल्केन्स। यहाँ पे चेन लेंथेन हो रही है, चेन की सीरीज बढ़ रही है। यहाँ पे एक RX आपने स्टार्टिंग लिया और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें दो R है, इसलिए कार्बन की सीरीज यहाँ बढ़ रही है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग देखते हैं CH3Br, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, का रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड से इन प्रेजेंस ऑफ 2Na, तो NaBr और NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, यहाँ पर रिएजेंट है ड्राई इथर, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaBr और NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा, 2NaBr यहाँ से रिलीज हो गया, बचा क्या हमारा CH3 और CH3 मीन्स एथेन। तो आप देख रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड लिया था हमने, मिथाइल ब्रोमाइड से हमको प्रोडक्ट क्या मिला, एल्केन मिला, और एल्केन में क्या मिला, कार्बन जिसकी दो सीरीज है, मतलब कार्बन की सीरीज यहाँ पे बढ़ चुकी है जिसका नाम है एथेन। केमिकल रिएक्शन में तो हैलोजन हम लोग देखते हैं, हैलोजन या पाउडर रिएक्शन समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा रिएक्टिविटी के आर्डर में हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में किसी भी ग्रुप के अटैच होने से ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AR भी लिखते हैं, ARH, ये एरोमेटिक AR मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे आर्गन मत समझने की आप लोग गलती करेगा, AR मतलब आर्गन नहीं होगा, आर्गन की बात जब होगी तो उसको बताया जाएगा, यहाँ पे एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, ये डायरेक्टली अटैच है किसी भी ग्रुप के प्रेजेंस के कारण है। सपोज करो ये आपका रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो पायलट बैठा है ये इसी को ड्राइवर है, इसी को चलाता है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप आपके चलते हैं, सारी रिएक्टिविटी आपको मेजरमेंट की जाती है। ये जो यक्स है हैलोजन है, यक्स क्या है, हैलोजन है, एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हैलोजन के पास हमको पहले से भी मालूम है यक्स जो होता है एक बॉन्ड आपका खाली होता है, इसके पास तीन लोन पेयर होते हैं, एक दो तीन, तीन लोन पेयर होता है, एक बॉन्ड ये बनाता है, ये क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में यदि इसकी केमिस्ट्री को बेंजीन की केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके जस्ट पहला वाला जो ग्रुप होगा इसको हम लोग आर्थो, तो पहला यदि ये भी होगा तो ये भी तो पहला ही होगा तो ये भी आर्थो, दूसरा वाला ग्रुप आपका मेटा होता है, अगर ये मेटा हुआ तो ये पोजीशन भी आपका मेटा हुआ, और इसके जस्ट अपोजिट मतलब 1-4 पोजीशन पे जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। नंबरिंग के क्रम में हम लोग देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2, 6 आर्थो, 2, 6 पोजीशन को हम लोग बोलेंगे आर्थो पोजीशन, 3, 5 मेटा, 3, 5 आपका मेटा पोजीशन होगा, और 1 एंड 4 इसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। अब पूरे रिएक्टिविटी के क्रम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो यक्स है उसका दो काम हो सकता है, या तो इस बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉल करे या अपने लोन पेयर को पार्टिसिपेट करके यहाँ पे अपना लोन पेयर इसमें डोनेट करे। अगर वो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है तो निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा और निगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको अभी अगले टॉपिक में शो होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आती है और पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं टॉपिक में, यहाँ आप लोग देख रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम है आपका क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन अटैच है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डबल सिंगल एक अल्टरनेट पोजीशन में आपके लगे हुए हैं, क्लोरीन जब भी अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो ही यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहेंगे क्योंकि कार्बन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो जाएगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। हुआ क्या, यहाँ पे क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ, देख रहे हैं पोलर कंपाउंड आपका बन गया है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आपका डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ जो ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एट द सेम टाइम ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हम लोग देख रहे हैं जो पोलर कंपाउंड के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गई है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस पोजीशन पे करेगा और सेम टाइम पे ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और डबल बॉन्ड सीएल, ये एज इट इज है।
अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब डबल बॉन्ड से आपका सिंगल बॉन्ड में होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन आपका बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। पूरे स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं इस क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण ये पोजीशन आपका आर्थो पोजीशन है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्थो पोजीशन। ये भी आर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो पूरे रिंग के अंदर क्लोरीन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो क्लोरीन जो कि रिंग के बाहर है, जो रिंग के बाहर है एक दो तीन, जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमारे जो एंडिंग हो रही है इसमें हम देख क्या रहे हैं, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो चुका है, जो डबल था वो सिंगल हो चुका है। मतलब पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन आप कंप्लीट करा चुके हैं, मतलब जितने सब सिंगल बॉन्ड थे वो डबल हो चुके हैं, जितने डबल थे वो सिंगल हो, एक कंप्लीट साइकिल हो चुकी। एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हमने देखा क्या, देखा कि इस क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण, इस क्लोरीन की उपस्थिति के कारण नेगेटिव चार्ज जो हमारा जनरेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थो। यहाँ देख रहे हैं इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे आर्थो। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट हुआ, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे पैरा। पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, फिर कहाँ नेगेटिव चार्ज आया, फिर आर्थो पे आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज आर्थो पे आ गया, उसके बाद रिंग आपका एज इट इज आपका फॉर्म हो गई। तो पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान, वन साइकिल के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज का जो जनरेशन हो रहा है वो कहाँ है, आर्थो पे है, पैरा पे है, आर्थो पे है। मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, मतलब कहाँ मिला, आर्थो पे मिला, पैरा पे मिला, ओ और पी पोजीशन, मतलब आर्थो पैरा, आर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, लेकिन मेटा पे कुछ नहीं मिला। मतलब नेगेटिव चार्ज हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, आर्थो पे भी मिल रहा है और पैरा पे भी मिल रहा है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल यदि अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि क्लोरीन है तो सारे रिएक्टिविटी कहाँ देगा बेटा, आर्थो पे देगा और पैरा पे देगा। मतलब कि हमको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन प्रेजेंट हो, तब एक पोजीशन आपका आर्थो डेरिवेटिव का होगा, दूसरा पोजीशन आपका पैरा डेरिवेटिव का। अब हम लोग देखते हैं अगला नेम देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाउ प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउ प्रोसेस में क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल, इससे हम फिनाल बनाते हैं। फिनाल कहते हैं किसको है, बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग का आपका एरोमेटिक रिंग है, सारे हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप लगा दो, इसी को बोलते हैं फिनाल, इसी को बोलते हैं फिनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउ प्रोसेस में होता क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल, फिनाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए आपके स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरोबेंजीन से हमने स्टार्ट किया है और फिनाल का फॉर्मेशन किया है, ध्यान दीजिएगा इसको किया किसने था, डाउ ने किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउ प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल। डाउ प्रोसेस में मैन्युफैक्चर ऑफ फिनाल होता है, स्टार्टिंग कंपाउंड आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से 6-8% में जब हम कराते हैं, टेम्परेचर आप देख रहे हैं 6-3 केल्विन, प्रेशर आपका 300 एटमॉस्फेयर, इसमें क्या होगा H2O आपका रिलीज होगा और NaCl आपका यहाँ से रिलीज होगा और बनेगा क्या, ONa यहाँ पे आपका लग जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ONa देख रहे हैं, ONa यहाँ पे आपका जनरेट हुआ है न्यूक्लियोफाइल, ONa और H पॉजिटिव यहाँ से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। हम अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू फिनाल ड्यू टू सम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल मीन्स फिनाल जो है अपना एच जो है यहाँ से रिलीज करके जो फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को हम लोग फिनॉक्साइड आयन बोले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसका रिएक्शन जब करेंगे तो डायलूट HCl के प्रेजेंस में, तो NaCl आपका यहाँ से NaCl देख रहे हैं, Na और Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वो तो पहले से H यहाँ पे लग जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। तो डाउ प्रोसेस में हम लोगों को क्या सीखा, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल हो रहा है, स्टार्टिंग कंपाउंड हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से 6-8 प्रेजेंस में, टेम्परेचर 6-3 केल्विन पे, प्रेशर आपका 300 एटमॉस्फेयर में करा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है फिनॉल। अब देखिए उर्ज रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा जस्ट 2-3 मिनट पहले,
अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, ऊर्ज रिएक्शन आपका एल्किल ग्रुप का, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से करा करके आपको कार्बन की चेन को बढ़ाते हैं, मतलब आर आर आपको मिलता है। फिटिक ने किया गया था, एरोमेटिक का रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड से कराया था, एरोमेटिक हैलाइड का रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड से। लेकिन यहाँ पे दोनों भाई लोग हैं, ऊर्ज भी है और फिटिक भी है, ऊर्ज भी है और फिटिंग भी है, मतलब एरोमेटिक हैलाइड भी रहेगा और एलिफैटिक हैलाइड भी रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एलिफैटिक 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 मतलब ओपन चेन, एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन, बेंजीन रिंग से अटैच हो। तो ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक हैलाइड और एलिफैटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड, ये आपका एरोमेटिक हैलाइड है। इनका रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे 2Na से, तो NaBr और NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा और कपलिंग के दौरान इस रिंग का अटैचमेंट CH2CH3 ग्रुप से हो जाएगा, CH2CH3 इथाइल ग्रुप से हो जाएगा और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर आफ्टर हीटिंग, वी गेट दिस रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू CH2CH3, CH2CH3 प्लस NaBr और NaBr यहाँ से आपका रिलीज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल, और इसको बोलेंगे बेंजीन, इथाइल बेंजीन इसका नामकरण। तो इस तरह से आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन यहाँ पे समाप्त हुआ, डाउ प्रोसेस समाप्त हुआ, ऊर्ज रिएक्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे फिटिक रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को हम लोग ये देखते हैं। फिटिक ने क्या किया था? मैंने पहले बताया ऊर्ज ने किया था एल्किल हैलाइड, फिटिक ने दिया था एरिल हैलाइड का रिएक्शन, एरिल हैलाइड से देखिए एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड का रिएक्शन 2Na के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो NaCl आपका रिलीज हो जाएगा। बचेगा क्या? इस रिंग का कपलिंग इससे हो जाएगा। प्रेजेंस में क्या है? डेल्टा आफ्टर हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट दिस रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल या इसको बाईफेनिल बोलते हैं। ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें रिंग करंट आपका जनरेट होगी। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है और टोटल मिलाकर के पूरा क्या कंपाउंड डाइफेनिल आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। 2NaCl यहाँ से आपका रिलीज होगा। तो इस तरह से आपको ऊर्ज रिएक्शन समाप्त हुआ, फिटिक रिएक्शन समाप्त हुआ, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन समाप्त हुआ, डाउ प्रोसेस आपका समाप्त हुआ और हम लोगों ने किसी भी ग्रुप के प्रेजेंस के कारण नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर जनरेट होता है इसको भी हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में क्या होता है? जितने भी मेथेन में आपके हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है, क्लोरीनेशन और HNO मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं प्रेजेंस ऑफ द सन ऑफ द लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको हम फोटॉन भी बोलते हैं फिजिक्स में, हम देखेंगे। और HCl एक क्लोरीन और एक H यहाँ से रिलीज हुआ, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच हुआ, यह HCl आपका रिलीज हुआ, H और Cl यहाँ से रिलीज हुआ और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? ये मेथेन से हमने जब रिएक्शन कराया Cl2H2 का, तो HCl रिलीज हुआ और हमको बना क्या? मिथाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड आपका फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्शन को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल न जाए। अभी तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ था, एक प्रोसेस किया, अभी तीन हाइड्रोजन निकलेंगे, इसका मतलब प्रोसेस अभी हमारा तीन बार होने वाला है। फिर Cl2 से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ HNO, फिर HCl आपका रिलीज होगा और यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा। आप देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं मिथिलीन, CH2 ग्रुप को मिथिलीन बोलते हैं, CH2 ग्रुप को मिथिलीन बोलते हैं, मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड। CH2 ग्रुप से दो क्लोरीन अटैच होगा तभी आपका ये आपका सेचुरेटेड होगा। तो मिथिलीन क्लोराइड का मतलब समझिए, ये मतलब डाई क्लोराइड कहाँ लिखा? डाई मतलब नहीं, मिथिलीन का मतलब ही होता है CH2 ग्रुप। और यदि एक स्टेबल कंपाउंड तो चार बांड बनाएगा, और चार बांड बनाएगा तो दो क्लोरीन इसमें ऑलरेडी अटैच होंगे। मिथिलीन क्लोराइड अभी आपको रिएक्शन दो बार कराने होंगे क्योंकि दो हाइड्रोजन अभी और बचे हैं। फिर Cl2 से कराइए, फिर HCl निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से जब रिलीज हो जाएगा क्या बचेगा? CHCl3, जिसको हम लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं, यही BOC की दवा है, पहले सर्जरी में यही यूज की जाती थी, आज दूसरी मेडिसिन यहाँ पे यूज की जा रही है। अगले टॉपिक उसको हम लोग देखेंगे। इस क्लोरोफार्म का रिएक्शन फिर Cl2 और HNO के प्रेजेंस में कराएंगे तो सारे हाइड्रोजन यहाँ से समाप्त हो जाएंगे और सारे क्लोरीन यहाँ पे लिंक हो जाएंगे और ये स्टेबल कंपाउंड आपका बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।